हाय एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ मीडिया रिसोर्सेज जो कि है म्यूजिक ऑन होल्ड तो म्यूजिक ऑन होल्ड क्या होता है ओके म्यूजिक ऑन होल्ड इज सॉफ्टवेयर बेस्ड मीडिया रिसोर्स इट प्रोवाइड्स वन वे म्यूजिक स्ट्रीम टू द यूजर विच इज ऑन होल्ड लाइक पार्टी ए है ये पार्टी बी है ये पार्टी ए ने पार्टी बी को कॉल किया तो पार्टी बी ने कॉल को होल्ड पे डाल दिया प्रेस किया होल्ड तो पार्टी बी जो है जो आपका यूजर बी है उसको क्या सुनाई देगा वो आपका ये म्यूजिक ऑन होल्ड जो आपका फीचर जो ये है ये डिसाइड करता है क्या करता है कि ये म्यूजिक स्ट्रीम को प्ले करता है बट ये वन वे होती है अगर बहुत पेज होगी तो ए को भी सुनाई देगा बट ए ने तो कॉल को होल्ड पे डाला है मे बी वो दूसरी कॉल कर रहा है ट्रांसफर कर रहा है कॉन्फ्रेंस कर रहा है या कुछ और कर रहा है राइट तो वो वन वे म्यूजिक स्ट्रीम होगी जो सिर्फ और सिर्फ बी को सुनाई देगी राइट फॉर दिस म्यूजिक ऑन होल्ड आपको एक एक्टिवेट करनी पड़ेगी सर्विस आई पी वी एम एस आई पी वॉइस मीडिया स्ट्रीमिंग एप राइट ऑन द ऑल सी सी एम नॉर्स टू कन्फिगर एमओ एच सर्वर ठीक है एमओ एच सर्वर मस्ट शेयर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन विद द क्लस्टर थ्रू द डीबी रेप्लीकेशन प्रोसेस प्रोसेस के थ्रू एमओ सर्वर को ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी आपके क्लस्टर के साथ क्या क्या इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी भाई ऑडियो सोर्स क्या है यूनिकास्ट है या मल्टीकास्ट है ठीक है और फिर ये मल्टीकास्ट एड्रेस क्या है अगर यूनिकास्ट है तो वो बात अलग है कि यूनिकास्ट है तो ये वन टू बन ही जाएगी अगर मल्टीकास्ट है तो मल्टीकास्ट का एड्रेस क्या है राइट तो एम एच का जो आपका ये म्यूजिक ऑन होल्ड का कॉल फ्लो ये टू टाइप्स में जैसे एक एस एस सी पी होता है ठीक है सिप के थ्रू है ठीक है एस एस सी पी में भी फिर आपका तो है एस एस सी पी यूनिकास्ट कॉल फ्लो एस एस सी पी मल्टीकास्ट कॉल फ्लो सिप यूनिकास्ट कॉल फ्लो एंड सिप मल्टीकास्ट कॉल फ्लो तो हम इन चारों चीजों को अब अलग अलग एक एक करके डिस्कस करेंगे वट इज एस एस सी पी यूनिकास मल्टीकास्ट सिप यूनिकास्ट एंड सिप मल्टीकास्ट कॉल फ्लो ठीक है उससे पहले हम बात कर लेते हैं अहमद सभा की कॉन्फिग्रेशन की, की कैसे होती है यह दो टाइप्स में होती है या तो को रेसिडेंट डिप्लॉयमेंट या स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट को रेजिडेंट डिप्लॉयमेंट में क्या होता है एमओएच का जो फीचर है वो किसी भी एक सर्वर पे रन करता है या तो पब्लिशर पे चला लो या किसी भी एक सब्सक्राइबर पे चला लो ठीक है पूरे क्लस्टर में इज रनिंग यूनिफाइड सॉफ्टवेयर ठीक है स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट में क्या होता है स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट में होता है एमओएच का जो फीचर है वो एक डेडिकेटेड सर्वर नोड पे चलता है आपके यूनिफाइड कॉल मैनेजर क्लस्टर में और ये जो आपका सर्वर है दिस सर्वर एक्सेस नीदर पब्लिशर सब्सक्राइबर आपको अगर स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट आप कर रहे हो तो वो आप ना तो पब्लिशर पे करोगे ना सब्सक्राइबर पे करोगे एक अलग से सर्वर होना चाहिए इसीलिए हम इसको स्टैंड अलॉन डिप्लॉयमेंट बोलते हैं तो जो आपका को रेजिडेंट डिप्लॉयमेंट है वो आप क्या पब्लिशर पे भी सर्विस रन कर सकते हो ये जो हम का फीचर है या आप सब्सक्राइबर पे भी कर सकते हो आप किसी पे भी करोगे तो वो को रेजिडेंट होगा बट कोई एक सर्वर आपने ले लिया उस पर कुछ भी नहीं चल रहा ना सब्सक्राइबर की कुछ सर्विसेज हैं ना पब्लिशर की हैं सिर्फ और सिर्फ एमएच की चल रही है तो उसको हम बोलते हैं ये आपकी स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट ठीक है अब ये म्यूजिक ऑन होल्ड में देखो दो ऑप्शन से जो हमने अभी डिस्कस किया यूनिकास्ट होता है और मल्टीकास्ट ऐसे सिप के थ्रू होता है वो कॉल फ्रॉम डिस्कस करेंगे बट इसमें क्या होता है यूनिकास्ट एमओ क्या होता है फर्स्ट पॉइंट यूनिकास्ट एमओ एच स्ट्रीम इज पॉइंट टू पॉइंट मतलब कि ये एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जा रही है ये आपकी यूनिकास्ट मल्टी म्यूजिक ऑन होल्ड स्ट्रीम है वन वे होती है यहां से यहां जाएगी या फिर यहां से यहां होगी बट रहेगी वन वे जिसने होल्ड किया जो होल्ड पे गया जो होल्ड पे गया उसको सुनाई देगी ठीक है वन वे ऑडियो स्ट्रीम फ्रॉम एमएच सर्वर टू एंड पॉइंट रिक्वेस्टिंग एम एच अब इसने डाला है होल्ड पे इसको तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है स्ट्रीम तो इसको मिलेगी ठीक है यूनिकास्ट है इसीलिए सेपरेट ऑडियो स्ट्रीम होगी हर यूजर के लिए हर यूजर के लिए एक अलग से स्ट्रीम ही चलेगी ठीक है स्ट एम एच कॉल फ्लो इज इनिशिएजर टू दर्वर अब देखो ये आपका फोन ए ये आपका फोन बी कॉल चल रही है इनके बीच में कहीं ना कहीं ये आपका कॉल मैनेजर तो है ही है ठीक है अब जैसे फोन ए ने कॉल को होल्ड पे डाला तो जो आपका ये यूनिफाइड कॉल मैनेजर है ठीक है इस यूनि यूनिकास्ट कॉल फ्लो में एक मैसेज इनिशिएट जो करेगा वो ये कॉल मैनेजर करेगा एमओ एच सर्वर को कि भाई कॉल मुझे ये आप एक ऑडियो स्ट्रीम प्ले कर दो फोन बी पे उसकी डिटेल्स देगा ये हम अभी डिस्कस करेंगे ठीक है एड्रेस ये, ये आपको उसकी ये एमओ एच सर्वर को उसकी डिटेल्स देगा कि इस पे प्ले करो ठीक है मल्टीकास्ट में क्या होता है मल्टीकास्ट में पॉइंट टू मल्टी प्वाइंट है वन वे ऑडियो स्ट्रीम होती है एमएच सर्वर और मल्टीकास्ट ग्रुप आईपी एड्रेस के बीच में ये डिफरेंस है इसमें देखो यहाँ पे क्या था यूनिकास्ट में मल्टी वन वे ऑडियो स्ट्रीम बिटवीन एमएच सर्वर टू एंड पॉइंट इसमें क्या है जो वन वे ऑडियो स्ट्रीम है वो एमओ सर्वर और मल्टीकास्ट ग्रुप आईपी एड्रेस के बीच में होती ठीक है जो स्ट्रीम है एमओएच सर्वर और मल्टीकास्ट ग्रुप आईपी एड्रेस के बीच में होती है यूनिकास्ट में अमर सर्वर और एंड पॉइंट के बीच में होते ठीक है इसमें क्या होता है इट इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू यूज द सेम ऑडियो सोर्स टू प्रोवाइड म्यूजिक ऑन होल्ड ये एक स्ट्रीम है जो चल रही है ठीक है यही स्ट्रीम हर किसी को जाएगी ये जाएगी जो स्ट्रीम पूरी चल रही है ना यही हर यूजर को जाएगी तभी इसको हम बोलते हैं ये वन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट ठीक है मल्टीकास्ट कॉल फॉर इज इनिशियड बाई मैसेज फ्रॉम कॉल मैनेजर टू द होल्डर जो है वो आपके बट मल्टीकास्ट है। है? में कॉल मैनेजर है, है ना जो होल्ड पे गई है उसको बोलेगा कि यह मल्टीकास्ट जो एड्रेस है ये स्ट्रीम यहाँ चल रही है यहां से ले लो ठीक है उसके बाद क्या है इट इंस्ट्रक्ट द्वार डिवाइस टू ज्वाइन द मल्टीकास्ट ग्रुप एड्रेस जो मैंने अभी बताया ऑफ द कंफ्यूगर्ड मल्टीकास्ट एमओ एच स्ट्रीम ठीक है होल्डर क्या होता है एंड पॉइंट कॉल को होल्ड पे प्लेस किया होल्डी जो होल्ड पे गया एंड पॉइंट यूजर प्लेस्ड ऑन होल्ड ठीक है अब ये आ जाता है आपका सबसे पहले है एस सी सी पी मल्टीकास्ट कॉल फ्लो हमारे पास चार हैं एस सी सी पी मल्टीकास्ट कॉल फ्लो एस सी सी पी यूनिकास्ट कॉल फ्लो सिप मल्टीकास्ट कॉल फ्लो एंड सिप यूनिकास्ट कॉल फ्लो ठीक है अब सबसे पहले हम बात करेंगे एस एस सी पी मल्टीकास्ट कॉल फ्लो की ठीक है मल्टीकास्ट में हमें अभी अभी डिस्कस किया है मल्टीकास्ट कॉल फ्लो में क्या होता है कॉल फ्लो नहीं मल्टीकास्ट एमओ एच में क्या होल्ड ही जाता है आपके मल्टीकास्ट स्ट्रीम के पास कि वही मुझे स्ट्रीम है और वी क्या होती है पॉइंट टू मल्टीपॉइंट ये जो आपकी मल्टीकास्ट स्ट्रीम है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट तो अब इसमें ये एक आपका कॉल फ्लो है कि कैसे क्या चलता है आपका फोन ए ये आपका कॉल मैनेजर जो सब्सक्राइबर यहाँ है ये आपका फोन बी और यहाँ पे आपका एम ओ एच सर्वर जिसपे आपकी ये स्ट्रीम चल रही है ये मल्टीकास्ट का एड्रेस है और ये स्ट्रीम कंटिन्यू चल रही है ये मल्टीकास्ट आर टी पी स्ट्रीम लिखो ये कंटिन्यू चल रही है ठीक है अब देखो इसमें क्या हुआ फोन ए ने फोन बी का कॉल किया है इनकी आपस में आर टी पी स्ट्रीम चल रही है जो कि ये पहला है आर टी पी स्ट्रीम इज ऑलरेडी स्टैब्लिश आर टी पी स्ट्रीम इज रनिंग आर टी पी स्ट्रीम एक्टिव कॉल ठीक है अब क्या किया फोन ए ने फोन बी को होल्ड पे डाल तो मैसेज गया सब्सक्राइबर के पास एस एस सी पी मल्टीकास्ट कर रहे हो तो एस एस सी पी सॉफ्ट की इवेंट मैसेज होल्ड दैट मीन्स कि मुझ मैं कॉल को होल्ड पे डाल अब एक कॉल होल्ड पे डालने के लिए इसको इसको नोटिफाई करना पड़ेगा फोन बी को तो ये क्या करेगा कि इसको एक मैसेज भेजेगा एस एस सी पी का क्लोज रिसीव चैनल मतलब अब तुम्हारी साइड से अगर कुछ आएगा तो मैं उसे रिसीव नहीं करूंगा इसका मतलब ये है क्लोज रिसीव चैनल भेज दिया उसके बाद क्या हुआ इसने इसको बोल दिया स्टॉप मीडिया ट्रांसमिशन कुछ भी है अब मैं ट्रांसमिशन स्टॉप कर रहा हूँ स्टॉप मीडिया ट्रांसमिशन ठीक है सेम वे सब्सक्राइबर ने इसको बोल दिया ओके रिसीव चैनल क्लोज और स्टॉप मीडिया ट्रांसमिशन ठीक है उसके बाद अब सब्सक्राइबर ने क्या किया ये जो फोन बी है इसको आईपी एड्रेस दे दिया इसका ये दे दिया स्टार्ट मल्टीकास्ट मीडिया सुनना चाहिए तो उसने ये आईपी दिया फोन बी ने आईटीएम मैसेज भेजा इस आईपी एड्रेस पे तो ये क्या है आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है तो मल्टीकास्ट स्ट्रीम चल रही है इसके पास ये स्ट्रीम प्ले होने लग गई मल्टीकास्ट आरटीपी स्ट्रीम अब इस पूरे इंटरवल में ये जो आपका फोन भी है ये होल्ड पे है अब फोन नहीं कह रहा है चलो जी मेरा काम हो गया अब मेरे को इस कॉल को रेज्यूम करना है तो इसने मैसेज डाला सब्सक्राइबर को रेज्यूम का सॉफ्ट की मैसेज जाएगा रेज्यूम अब रेज्यूम में सबसे पहले देखो फोल्ड में क्या हुआ इसने कहा क्लोज रिसीव चैनल और मीडिया ट्रांसमिशन स्टॉप कर दो तो आइडियली डेरी रेज्यूम में क्या होना चाहिए ओपन कर दो चैनल को और स्टार्ट ट्रांसमिशन कर दो बट उससे पहले एक मैसेज जाएगा क्योंकि जो उसकी स्ट्रीम चल रही है उसको स्टॉप करना है तो ये मैसेज भेजेगा स्टॉप मल्टीकास्ट मीडिया रिसेप्शन कर दिया इसने फिर क्या किया इसने ये ग्रुप लीव कर दिया जो आई जी एम पी मैसेज भेजा था इस ग्रुप पे मल्टीकास्ट उसको छोड़ दिया लीव ग्रुप कर दिया उसके बाद इसने मैसेज भेजा ओपन कर दो अपना चैनल और ट्रांसमिशन स्टार्ट करो ये सेम मैसेज फिर इसे भेज देगा ओपन करो चैनल को ट्रांसमिशन स्टार्ट करो अब ट्रांसमिशन स्टार्ट में अभी क्या है इसके पास दूसरा आईपी था इसका आईपी इसके पास कोई आईपी नहीं था क्योंकि इसने तो गोल को होल्ड पे डाल दिया तो वो तो चला गया तो फिर सब्सक्राइबर फोन ए को देखो फोन बी का एड्रेस भेजेगा मीडिया ट्रांसमिशन में और फोन बी को फोन ए e का एड्रेस भेजेगा मीडिया ट्रांसमिशन तो जैसे ये दोनों के पास एड्रेस जाएंगे फोन ए और फोन बी के पास इन दोनों के बीच में आर स्ट्रीम फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगी ठीक है तो ये आर स्ट्रीम फिर से इस्टे है आपका एस सी पी मल्टी कास्ट कॉल फ्लो ठीक है नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट एस पी यूनिकास्ट कॉल। अब यूनिकास्ट में क्या होता है हमें हाँ पता है यूनिकास्ट इज वन टू वन इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है कि वन पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नहीं है ये पॉइंट टू पॉइंट होता है यूनिकास्ट इसमें क्या है आप देखो पी स्ट्रीम आपकी चल रही है फोन ए है फोन बी है आपका सब्सक्राइबर है और आपका ये एमओएच सर्वर है ठीक है यहां पर आपकी आर स्ट्रीम एक एक्टिव है जो चल रही है फर्स्ट मैसेज सेम आपने होल्ड पर डाला कॉल को यहाँ होल्ड सॉफ्ट की इवेंट मैसेज किया इसने क्या कहा ओके सेम चीजें क्लोज कर दो चैनल को ट्रांसमिशन स्टॉप कर दो सेम चीज यहाँ गई क्लोज चैनल मीडिया ट्रांसमिशन स्टॉप ठीक है अब उसके बाद सब्सक्राइबर क्या करेगा अभी इसने चैनल को क्लोज किया है इसके लिए फोन ए के लिए फोन बी पे चैनल क्लोज किया है फोन ए के लिए अब ये दोबारा मैसेज भेजेगा सब्सक्राइबर फोन बी को अपना चैनल ओपन कर दो जो रिसीविंग चैनल है बट बट अब ये ओपन तो कर दो बट इसमें ये नहीं बोलेगा कि फोन ए के लिए ओपन करना क्या करना है ओपन करो चैनल को साइमल्टेनियसली ये सब्सक्राइबर जो है आपका एक रिक्वेस्ट भेजेगा आरके एम ए सर्वर पे कि मीडिया ट्रांसमिशन स्टार्ट करो और उसमें इसका आईपी एड्रेस दे देगा फोन बी का ठीक है जैसे ही फोन बी का आईपी एड्रेस मिला अब ये जो फोन बी है आपका इसका चैनल तो ओपन है तो ये क्या करेगा आर स्ट्रीम जो है yes, server, ये सर्वर ये भेज देगा फोन बी पे क्योंकि इसको तो फोन बी का आईपी एड्रेस दे दिया है आपके सब्सक्राइबर ने तो आर स्ट्रीम एक्टिव वन वे एक्टिव हो गई और इस टाइम पे ये कॉल आपकी अगेन गई होल्ड पे ठीक है अब सॉरी कॉल होल्ड पे है म्यूजिक प्ले हो रहा है इस टाइम पे ठीक है अब उसने फोन ने किया रेज्यूम कर दो जी चलो मुझे बात करनी है तो ये क्या करेगा सबसे पहले क्लोज करेगा रिसीव चैनल ये वाला जो कि आई एम एच सर्वर से आ रहा है ठीक है इसने किया मैसेज भेजा क्लोज रिसीव चैनल सब्सक्राइबर ने फोन बी को फिर सब्सक्राइबर ने सर्वर को भी भेज दिया कि मीटर ट्रांसमिशन स्टॉप कर दो अपना कर दिया उसके बाद सब्सक्राइबर दोनों को भेजेगा ओपन रिसीव चैनल ए को भी और बी को भी फिर उसके बाद सेम चीज मीटर ट्रांसमिशन इधर भी स्टार्ट करना है इधर भी स्टार्ट करना है ठीक है तो इसने क्या किया फोन ए को दिया फोन बी का आईपी फोन बी को दिया फोन ए का आईपी अगेन फिर से आपकी कॉल स्टैब्लिश आरटीपी स्ट्रीम स्टार्ट होगी ठीक है आई होप अभी तक इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट्स में बताइए मैं श्योरली रिप्लाई करूंगा जितना मुझे पता है एटलीस्ट उतना तो मैं रिप्लाई करूंगा ठीक है नेक्स्ट चीज उसके बाद है आपका सिप कॉल फ्लो सिप में अभी हम बात करते हैं पहले सिप मल्टीकास्ट कॉल फ्लो की फिर हम बात करेंगे सिर्फ यूनिकास्ट कॉल फ्लो की ठीक है अब सिर्फ मल्टीकास्ट कॉल फ्लो में क्या होता है सेम चीजें आपकी यही फोन ए है यहाँ पे यहाँ आपका फोन बी है यहाँ आपका बीच में ये सब्सक्राइबर है ठीक है अब क्या हुआ यहाँ पे आपकी आर स्ट्रीम ऑलरेडी चल रही है ठीक है आर स्ट्रीम चल रही है इसमें कोई इशू नहीं है जैसे ही होल्ड प्रेस किया फोन ए ने इस टाइम पे क्या होगा अभी हम बात कर रहे हैं सिप के कॉल फ्लो की तो इसमें सारे सिप से रिलेटेड मैसेजेस होंगे अगर आपको सिप कॉल फ्लो का आइडिया नहीं है तो प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए सिप पे बहुत अच्छी वीडियोस है मैंने जो बना रखी हैं सिप की आई होप आपको डेफिनेटली आपको पसंद आएंगी ठीक है आप पहले वो वीडियोज़ देखना तभी आपसे सिप कॉल फ्लो यहाँ पे आप पढ़ना क्योंकि अदरवाइज अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ये सिप मल्टीकास्ट कॉल तो फ्लो यूनिकास्ट कॉल फ्लो करोगे तो ये देखो बीच बीच में चीज़ें हैं यहाँ पे ठीक है और दूसरा ये थोड़ा सा इन डेप्थ वाली चीज है जब आपको ट्रेसेस वगैरह पता होंगे क्या होते हैं सेंड सेंड ओनली ओनली रिसीव तभी आप इस मल्टीकास्ट और सिर्फ कॉल्फो को देना एमओएच सर्वर के ठीक है तो, तो इसमें क्या होता है जैसे इसने होल्ड प्रेस किया इसने एक इनवाइट भेजा सिप इनवाइट भेजेगा क्योंकि हम सिप मल्टीकास्ट स्कोर फ्लो की बात कर रहे हैं इनवाइट में क्या भेजेगा देखो पहले एक कॉल एक्टिव है इनवाइट भेजा एस में फोन ए का आई पी भेजा ठीक <coughs> है आई पोर्ट नंबर भेजा उसके बाद इसने भेजा ए इक्वल्स टू सेंड ओनली ठीक है ए इक्वल्स टू सेंड ओनली इनवाइट भेजा उसके बाद यहां से इसको रिस्पॉन्स आ जाएगा ओके टू हंड्रेड ओके रिस्पॉन्स एस डी पी रिसीव ओनली इसका क्या मतलब है ए इक्व टू सेंड ओनली ये भेज रहा है फोन ही सब्सक्राइबर को दैट मींस अब मैं कुछ रिसीव नहीं कर रहा मैं सिर्फ सेंड कर रहा हूँ जब सब्सक्राइबर ने रिवर्ट किया तो वो कह रहा है ओके मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा अब मैं सिर्फ रिसीव करूंगा अब रिसीव कर रहा है क्योंकि इसने होल्ड कर दिया उस टाइम पे रिसीव कर लिया बट ये अब सब्सक्राइबर फोन है को कुछ भी नहीं भेजेगा जब तक फोन है उस कॉल को रेज्यूम नहीं करेगा तो उसने बोल दिया एक्नोलेजमेंट दे दी ओके मैं इंटरनेट ओके में अब इस सेम टाइम पे अब ये क्या करेगा जो सब्सक्राइबर है फोन बी को इन्वाइट भेजेगा उसमें क्या भेजेगा इनवाइट एसडीपी जो है सारे आप जीरो पे भेज दो पोर्ट नंबर दे देगा ए टू इनएक्टिव मतलब अब कोई सेंड रिसीव कुछ नहीं चल रहा हमारे यहाँ सब कुछ इनएक्टिव कर दो कर दिया इसने रिस्पॉन्स दे दिया टू हंड्रेड ओके रिस्पॉन्स एस डी पी फोन बी का आई पी अपना आई पी दिया इसमें पोर्ट इनएक्टिव कर दिया आर टी पी पोर्ट नंबर ए इक्वल टू इनएक्टिव इसने एक नॉलेजमेंट दे दी तो यहाँ तक अभी चीजें क्लियर कि इसने एक नॉलेजमेंट यहाँ पे सब्सक्राइबर बी ने फोन बी सब्सक्राइबर ने फोन बी को भेजा और सब्सक्राइबर ने फोन ए को भेजा ठीक है इसके बाद अब क्या होगा कॉल तो होल्ड पे है अब अब क्या है अब सब्सक्राइबर को क्या करना है उसको एक स्ट्रीम प्ले करनी है फ़ोन बी पे तो ये क्या करेगा ये फोन बी को इनवाइट भेजेगा जिसमें ये उसका आईपी देगा आपके मल्टीकास्ट का टू थ्री नाइन डॉट टू थ्री डॉट वन डॉट वन ठीक है आरटीपी पोर्ट नंबर ए इक्वल्स टू रिसीव ओनली ठीक है अब क्या होगा उसने ओके टू हंड्रेड ओके में रिस्पॉन्स दे दिया और साथ के साथ उसको मल्टीकास्ट का एड्रेस मिल गया तो ये उस पर गया आई मैसेज भेजा भाई मल्टीकास्ट स्ट्रीम चला दो इसने टू हंड ओके दिया एक्नॉलेजमेंट हो गया तो फोन उसने मल्टीकास्ट चला दी तो उस टाइम पे आपका ये फोन बी चला गया होल्ड पे होल्ड पे गया है और आपकी जो मल्टीकास्ट स्ट्रीम है वो जो प्ले हो रही थी उसका एड्रेस उसने फोन बी को दे दिया और वहां पे अब इस टाइम पे आपकी जो स्ट्रीम है वो प्ले हो रही है ठीक है इस आर टीपी पोर्ट नंबर पर इसने क्या रिसीव ओनली कब मैं कुछ सेंड नहीं कर रहा ये फोन बी ने बोला मैं सब कुछ रिसीव ही करूंगा सब्सक्राइबर से ही करूंगा और किसी के पास तो कुछ है नहीं राइट अब इसने रेज्यूम प्रेस कर दिया आपका जो फोन ए है इसने रेज्यूम प्रेस किया ठीक है इनवाइट भेजा इनवाइट एस डी पी भेजे फोन ए अपना इसने आई पी भेजा पोर्ट नंबर भेजा यहाँ देखो आप इसने ए में क्या लिखा है सेंड रिसीव दैट मीन्स अब मैं सेंड भी करूंगा अब मैं रिसीव भी करूंगा पहले क्या बोला सेंड ओनली मतलब मैं कुछ रिसीव नहीं करूंगा अब इसमें सेंड रिसीव दोनों भेजा है ठीक है तो अब ये क्या करेगा सब्सक्राइबर अभी इस टाइम पे फोन बी को भेजेगा तो फ़ोन बी पे जो चल रहा है क्योंकि फोन ए फोन बी ने पहले क्या बोला कि मैं रिसीव करूंगा सिर्फ ये यह यहाँ पे ठीक है तो रिसीव कर रहा है आप सब्सक्राइबर ने भेजा एस डी पी भेज दिया इनवाइट पोर्ट नंबर भाई अब आप इनएक्टिव कर दो जो अब चल रही है प्ले उसको इनएक्टिव कर दो इसने रिस्पॉन्स भेजा एक्नोलिजमेंट हो गया इनएक्टिव हो गया जो आपकी ये स्ट्रीम चल रही थी ठीक है ये इनएक्टिव इस टाइम पे फिर इसने इनवाइट भेजा सब्सक्राइबर ने आपके फोन बी को जो इनवाइट इसको मिला है फोन ए से इनवाइट भेजा ये वाला इनवाइट मैसेज भेजा ठीक है इसमें क्या उसके बाद इसने सारी जो चीजें भेज दी होंगी टू हंड्रेड ओके में उसने रिस्पॉन्स दिया एस में क्या दिया अपना आई एड्रेस दिया पोर्ट नंबर दिया और ए इक्वल्स टू सेंड रिसीव दिया ठीक है सेंड रिसीव मतलब अब मैं सेंड भी करूंगा अब मैं रिसीव भी करूंगा उसके बाद इसने भेज दी इसको एक्नोलेजमेंट जैसे टू हंड ओके आया हुआ है यहाँ पे इन्वाइटर यहाँ पे भी टू हंड्रेड ओके रिस्पॉन्स तो जाएगा जैसे यहाँ पे टू हंड्रेड ओके आया उसमें क्या आया फोन बी का आईपी आया पोर्ट नंबर आया सेंट रिसीव साइमेंटेनियसली यहां पे टू हंड्रेड ओके रिस्पॉन्स में चला जाएगा एस डी पी फोन पी का आई पी पोर्ट नंबर ठीक है इसने ऑलरेडी पहले तो बोल ही रखा है सेंट रिसीव तो उसके बाद इसने एक्नोलिजमेंट भेजी यहाँ पे भी एक्नोलिजमेंट गई इसमें क्या गया एक्नोलिजमेंट में फोन ए का आई पी और आई टी पी पोर्ट नंबर फोन ए का आई पी कहाँ से आया यहाँ पे जो इसने यहाँ पे भेज रखा है रिज्यूम प्रेस करते जो इन्वाइट किया था ठीक है और इस टाइम पे इसने ये ग्रुप लीव कर चुका है यहां पे और आपकी कॉल स्टैब्लिश फिर से हो गई तो ये है आपका सिप मल्टीकास्ट कॉल फ्लो सेम चीज अब हम डिस्कस करेंगे यूनिकास्ट के केस में सिप के मल्टीकास्ट में क्या होता है वो फोन को एड्रेस देता है मल्टीकास्ट का यूनिकास्ट में क्या होता है वो जो आपका एमओ सर्वर है सब्सक्राइबर उसको रीच आउट करता है उसको आईपी देता है फोन का कि यहाँ पे स्ट्रीम भेजो ठीक है आप देखो इसमें क्या होता है ये आपका फोन ए है सब्सक्राइबर फोन बी एवरीथिंग इज सेम ठीक है और यहाँ पे आपका ये सर्वर अब देखो यहाँ पे कॉल आपकी एक्टिव चल रही है आरटीपी स्ट्रीम एक्टिव कॉल ठीक है होल्ड प्रेस किया उसमें क्या हुआ होल्ड प्रेस करते ही सेम चीज इनवाइट जाएगा सेम चीज आएगी सेफ इनवाइट फोन ए का आईपी पोर्ट नंबर ए इक्वल टू सेंड ओनली अभी हमने सब डिस्कस किया टू हंड्रेड ओके जाएगा और आ जाएगी ठीक है? है ये तो हो गया इसने ट्रांसमिशन अभी ये इनएक्टिव है स्टॉप हो गया अब क्या करना है अब इस पे स्ट्रीम प्ले करनी है सब्सक्राइबर ने फिर मैसेज भेजा अपना इनवाइट मैसेज इसको कि भाई अब इक्वल टू सेंड रिसीव इसमें क्या भेजा है उसने जो है आपका फ़ोन बी उसने भेजा ओके टू हंड्रेड ओके भेज दिया रिस्पॉन्स में फिर भेजा फ़ोन बी अपना आईपी भेज दिया पोर्ट नंबर भेज दिया सेंड रिसीव भेज दिया जो भी है कि मैं चलो कर लूंगा सेंड रिसीव सो फ़ोन जो आपका सब्सक्राइबर है वो जाएगा फिर आपके यूनिका सर्वर के पास भाई मीडिया ट्रांसमिशन स्टार्ट कर दो ये रहा इस ये रहा आईपी एड्रेस इस फ़ोन पे जाके अपनी मीडिया प्ले कर दो इसने एक्नोलेजमेंट दे दिया आपके इसको फोन बी को उस एसडीपी में क्या है सब्सक्राइबर आईपी और एक्कोस टू सेंड ओनली तो इस टाइम पे अब ये स्ट्रीम आपकी चल रही है वन वे स्ट्रीम है और इस टाइम पे फोन बी क्या है होल्ड पे अब इस इसने रेज्यूम प्रेस कर दिया फिर से इसने अब बताया एस सी पे इन्वाइट एस डी पी फोन ए अपना आई पी दे दिया पोर्ट नंबर सेंड रिसीव अब मैं सेंड भी करूंगा रिसीव भी करूंगा अब इसने क्या किया एक तो स्ट्रीम प्ले हो रही है तो इसको स्टॉप करना है पहले इसने इन्वाइट भेजा एस डी पी जीरो 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 ए को इनएक्टिव कर दो इसने रिस्पॉन्स भेजा ओके टू हंड्रेड ओके एक्नोलिजमेंट आते ही फिर सब्सक्राइबर ने इसको बोल दिया ट्रांसमिशन स्टॉप कर दो ट्रांसमिशन स्टॉप हो गई यहाँ से अब क्या करना है जो ये इनवाइट आया हुआ ये इनवाइट आ फोन बी को भी तो भेजना है उसको बताना है कि कहाँ पे अब आपको प्रेस रिज्यूम हो गए अब आपको ये आई एड्रेस है अब यहाँ पे जाके अब बात करो इसने इन्वाइट भेजा उसके बाद उसने टू ओके में क्या भेजा अपना फोन का आई एड्रेस भेज दिया पोर्ट नंबर भेज दिया ए इक्व टू सेंड रिसीव भेज दिया इतनी देर में इसे साइमल्टेनियसली यहाँ पे इसको एक्नॉलेजमेंट में फोन ए का आईपी भेज दिया और आरटीपी का पोर्ट नंबर भेज दिया क्योंकि फोन ए का आईपी आ चुका था साइमल्टेनियसली इसने साइमल्टियसली टू हंड्रेड ओके रिस्पॉन्स में फोन बी का आईपी भेज दिया आरटीपी पोर्ट नंबर दे पोर्ट क्योंकि यहाँ पे फोन बी का आईपी तो आ चुका है सब्सक्राइबर के पास ठीक है उसके बाद यहाँ से एक्नोलिजमेंट आई और एक्नोलमेंट आते ही फिर से आपकी ये आर टी पी स्ट्रीम इस्ट राइट तो ये आपके हैं चार एस एस सी पी मल्टीकास्ट एस एस सी पी यूनिकास्ट सिप मल्टीकास्ट एंड सिप यूनिकास्ट कॉल फ्लो तो यहाँ पे आपका ये म्यूजिक ऑन होल्ड वाली चीजें खत्म होती हैं जबकि आपका एक्चुअली मीडिया रिसोर्स वाला सेक्शन है वो खत्म होता है अभी हम डिस्कस करते हैं अभी कि आपकी ये जो सारी कॉन्फिग्रेशन है कॉल मैनेजर पे कैसे होंगी ठीक है तो कॉल मैनेजर मीडिया रिसोर्सेज होते हैं ग्रुप्स होते हैं हम लिस्ट बनाते हैं उनको डालते हैं ठीक है तो ये एक सम ऑफ द सम्पल्स ठीक है एम आर जी मीडिया रिसोर्स ग्रुप इज यूज टू डिफाइन अ सेट ऑफ सेम प्रायोरिटी रिसोर्सेज अभी हम बात करें ये सब कॉल मैनेजर की मीडिया रिसोर्स मैनेजमेंट मीडिया रिसोर्स मैनेजमेंट विद मीडिया रिसोर्स ग्रुप एंड मीडिया रिसोर्स ग्रुप लिस्ट ठीक है इसमें क्या करना है आपको मीडिया रिसोर्स ग्रुप इंफॉर्मेशन में आप जैसे मीडिया रिसोर्सेज में जाएंगे वहां पे आपको ये अवेलेबल मीडिया रिसोर्सेज मिलेंगे जो जो आपने बनाया वहां पर ये सारे शो होंगे अवेलेबल मीडिया रिसोर्सेज ठीक है आपने इसको नाम दिया आप एक हार्डवेयर बना रहे हैं आप सॉफ्टवेयर का ग्रुप बना रहे ये ग्रुप बनाया आपने रिमोट हार्डवेयर मीडिया रिसोर्स ग्रुप एक ग्रुप बनाया आपने सॉफ्टवेयर मीडिया रिसोर्स ग्रुप तो हार्डवेयर में आप क्या करोगे हार्डवेयर वाले मीडिया सेलेक्ट करोगे सॉफ्टवेयर वाले में आप सॉफ्टवेयर मीडिया सेलेक्ट करोगे राइट जैसे कि यहाँ पे किया मैंने सा, सारे मीडिया आपको अवेलेबल एम में दिखेंगे ठीक है अवेलेबल मीडिया रिसोर्सेज में यहाँ पे अब आप देखोगे सेलेक्टेड मीडिया रिसोर्स में मैंने करें ये देखो एम ट्रांसकोड कॉन्फ्रेंस पेज और ये ट्रांसकोड ठीक है ये सारे मैंने ले लिए हार्डवेयर वाले यहाँ पे अब एन एनशीटर जो कि सॉफ्टवेयर ओनली है कॉन्फ्रेंस ब्रिज है एम ओ एच मल्टीकास्ट है और ये एम टी पी है ये सारे मैंने ले लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड ठीक है मैंने दो ग्रुप बना दिए अब इन ग्रुप्स को मैं लिस्ट में डालूंगा फिर मुझे देखना है कि यार कौन सा मेरे को प्रायोरिटी देनी है सॉफ्टवेयर को या हार्डवेयर को ठीक है अब देखो मीडिया सोर्स ग्रुप क्या करता है यूज टू डिफाइन अ प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मैंने ये ग्रुप्स अभी बनाए हैं अब मेरे को इनको प्रायोरिटाइज करना है कौन सा पहले कौन सा बाद में यूज हो तो मैंने एक नाम बनाया रिमोट साइट एम आर जी एल ठीक है मैंने उस पर लिखा सिक्योर कॉन्फ्रेंस ब्रिज मीडिया रिसोर्स ग्रुप और अब मैं क्या कह रहा हूँ मैंने यहाँ पे दिया रिमोट नाम ठीक है तो मैं सॉफ्टवेयर नहीं यूज कर रहा सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि मेरे को रिमोट यूज करने हैं तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो दूंगा रिमोट हार्डवेयर एम आर जी मतलब की हार्डवेयर जो मैंने बनाया हार्डवेयर मीडिया रिसोर्स यहाँ पे आप देखो तो नाम था रिमोट हार्डवेयर एम आर जी और फिर उसके बाद सेकंड सेकेंड दी मैंने सॉफ्टवेयर रिसोर्स मीडिया अगर ये मेरे सारे यूटिलाइज हो जाए या डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए तो मेरे सॉफ्टवेयर मीडिया रिसोर्सेज से काम चलता रहे सॉफ्टवेयर मीडिया रिसोर्स ग्रुप मैंने डाल दिया अब इस हार्डवेयर में आप देखोगे ये चार हमने यूज किए थे सॉफ्टवेयर में ये चार हमने यूज किए थे एम टी पी ठीक है अब क्या कह रहे हैं ये एमआरजीएल में डाल दिया आपने ग्रुप्स को फिर हम ये जो एम आर हम यूज करते हैं एसोसिएट करते हैं स्टेशन के साथ या ट्रंक डिवाइस के साथ या डिवाइस पूल के साथ आप ये एम एक पर्टिकुलर फोन पे भी डाल सकते हैं राइट ये चीजें आप एक ये लिस्ट है आप एम को कहाँ कहाँ डाल सकते हो ठीक है पहली बात अब आपको बनाना है मीडिया रिसोर्स ग्रुप तो कहाँ मीडिया रिसोर्सेज में जाओगे मीडिया रिसोर्सेज में ऑप्शन है मीडिया रिसोर्सेज ग्रुप ग्रुप में गए यहाँ पे आपको दो बनाए यहाँ पे सॉफ्टवेयर मीडिया रिसोर्स ग्रुप बनाया एक आप हार्डवेयर रिमोट वाला बनाते हो ये जस्ट एक एग्जाम्पल दिखाया है सॉफ्टवेयर मीडियल सोर्स ग्रुप का ऐसे ही आप इसमें नाम दोगे हार्डवेयर का दूसरा बना दोगे अब ये वाला हमने जो यहाँ पे डाल रखा है सॉफ्टवेयर सोर्स ग्रुप अब हमने ये लिस्ट बनाई थी तो लिस्ट में हमने ये दोनों डाले थे अब ये लिस्ट को कहाँ पे डालना है सेम चीज मीडियल सोर्सिस में जाओ मीडियल सोर्स ग्रुप लिस्ट में जाओ ये लिस्ट जो है आप कहाँ कहाँ डाल सकते हो ये पांच प्लेसेज है आप इस एम को डिवाइस पूल में डाल सकते हो आप सी टी आई राउट पॉइंट में डाल सकते हैं एम आरजीएल को आप गेट वे पे डाल सकते हैं एम आर जी एल को फोन पे डाल सकते हो और ट्रंक पे डाल सकते हो तो जो आपने ये एम आरजीएल बनाई है ये आप इन पांचों जगह पे डिफाइन कर सकते हो लाइक like आपने डिवाइस पुल पर डिफाइन किया तो उस डिवाइस पुल के जितने भी मेंबर्स है सबको वो मेजर सो ग्रुप लिस्ट के थ्रू सब कुछ फॉलो करना पड़ेगा फोन पे डालते हो तो वो पर्टिकुलर फोन की बात हो गई गेटवे पे डालते हो तो पूरे गेटवे वे पे प्राउट पॉइंट पे या ट्रंक पे तो उस ट्रंक पे कुछ भी चाहेगा तो वो एमर्जियल वो यूज करेगा वही वाली जो आपने डाल रखी है राइट right? तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी कुछ डाउट है जस्ट लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आई होप यू रियली लाइक इट ठीक है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो राइट एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफिकेशन ऑफ ऑल माई अपकमिंग थैंक यू